को नमस्कार एक बार फिर एडो मीडिया वन वन सेवन नाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के माध्यम से सताईस बारह दो हजार तेईस और तीन जनवरी दो हजार चौबीस को पत्र जारी हुआ किस किस को जारी हुआ ऑल द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कम चेयरपर्सन समग्र शिक्षा ऑल द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा इन द स्टेट सब्जेक्ट क्या है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स फॉर द पी एम श्री स्कूल्स ऑफ हरियाणा फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबाउ The project approval board has allowed the provisions for implementation of the program state level sports competition for all the PM3 schools in the state. In connection with the implementation of the state level sports com competitions, the administrative guideline come financial sanction for the financial year 2023-24 are hereby issued to the DPC Kurukshetra. द कंडक्ट ऑफ द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द पी एम श्री स्कूल ऑफ हरियाणा द मॉडलिटीज ऑफ द कम्पिटिशन आर गिवन बिलो प्रोग्राम की गाइडलाइन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं मॉडलिटीज ऑफ द प्रोग्राम ए पॉइंट है इसका पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे पार्टिसिपेंट इसमें स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस इज नाइन्थ टू ट्वेल्थ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ऑल वन ट्वेंटी फोर पी एम सी स्कूल्स ऑफ हरियाणा पहला पॉइंट है इसका दूसरा पॉइंट है टाइम लाइन एंड वेन्यू स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम थर्टी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एट कुरुक्षेत्रा यानी कि दो ही दिन का ये स्पोर्ट्स इवेंट रहेंगे द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द वेन्यू विल बी ट्वेंटी नाइन ऑफ जनवरी 2024, 29 जनवरी को यहाँ वेन्यू पे, पे रिपोर्टिंग करनी है द वेन्यू ऑफ द इवेंट विल बी कन्वेड टू ऑल द डी पी सी अकॉर्डिंग इसी तरह से सी सेक्शन है इसमें सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंटन कैसे करना पार्टिसिपेंट का जो सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा ऑल द प्रिंसिपल ऑफ पी एम श्री स्कूल विल सिलेक्ट द स्टूडेंट ऑफ क्लाइंस नाइन टू ट्वेल्थ बॉयज एंड गर्ल इवेंट वाइज एंड प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट टू द डी पी सीज कंसर्न ऑल द डी पी सीज आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट ट्रायल एंड फाइनली सिलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल टू पार्टिसिपेट इन ईच स्पेसिफाइड एथलेटिक्स इवेंट टोटल इलेवन गर्ल्स एंड इलेवन बॉयज़ विल भी सिलेक्टेड एट द डिस्टिक फॉर ऑल इवेंट यानि कि ग्यारह लड़कियाँ और ग्यारह लड़के ही इसमें भाग लेंगे दी सिलेक्टेड ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स इलेवन गर्ल्स एंड इलेवन बॉयज विल बी सेंट अलोंग विद वन मेल एस्कोर्ट टीचर एंड वन फीमेल एस्कोर्ट टीचर टू पार्टिसिपेट एट स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एट कुरुक्षित्रा डी पॉइंट इसका इवेंट्स फॉर द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कम्पिटिशन देर विल बी टोटल फोर ट्रैक इवेंट एंड फोर फील्ड इवेंट एट द स्टेट लेवल एट मैं बिलो क्या क्या इवेंट होंगे किस प्रकार से उसमें पार्टिसिपेंट की संख्या रहेगी वो इस टेबल से समझते हैं सीरियल नंबर है नेम ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट ये बॉयज़ के लिए और नेम ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट गर्ल्स के लिए टोटल पार्टिसिपेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने रहेंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर एक की बात करें तो हंड्रेड मीटर रेस बॉयज़ हंड्रेड मीटर रेस गर्ल्स तो इस तरह से पार्टिसिपेटेड बच्चे हो गए इसमें वन बॉय एंड वन गर्ल टोटल दो टू सेकेंड टू हंड्रेड मीटर रेस बॉयज़ टू हंड्रेड मीटर रेस गर्ल्स वन प्लस टू इज इक्वल टू टू बॉयज़ एंड गर्ल्स फोर हंड्रेड मीटर रेस फोर हंड्रेड मीटर रेस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है तो इसमें वन प्लस वन टू ही पार्टिसिपेटेड है फोर्थ इवेंट है इसमें रिले रेस फोर इन हंड्रेड मीटर रिले रेस रिले रेस फोर इंटू हंड्रेड मीटर यानी दोनों ग्रुप के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप के लिए तो इसमें जो पार्टिसिपेंट रहेंगे फोर प्लस फोर एट रहेंगे अब फिफ्थ पे इवेंट है लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप में भी एक ही बच्चा बॉयज़ रहेगा और एक गर्ल्स बच्चा रहेगा तो वो टोटल हो जाते हैं यहाँ पे दो छठा इवेंट है इसमें हाई जंप दोनों कैटेगरी के लिए है हाई जंप इसमें भी पार्टिसिपेटेड वन प्लस वन दो बच्चे ही रहेंगे शॉर्ट पुट है इसमें शॉर्ट पुट बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी वन प्लस वन टू बच्चे इसमें शामिल होंगे इसी तरह से पॉइंट नंबर एट है डिस्कस थ्रो डिस्कस थ्रो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए वन प्लस वन टू तो इस तरह से आठ इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स uh, के आधार पे कितने वो वहाँ पे शामिल होंगे वो सारी जिक्र इसमें किया गया है द डी पी सी गुरुक्षेत्रा इज हेयर बाई नोपिनेटेड एज नोडल ऑफिसर फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ दिस स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन द वेन्यू एज वेल एज द डिटेल प्लान विल बी फाइनलाइज बाई द डी पी सी कुरुक्षेत्रा एंड द सेम में से विद ऑल द डी पी सीज एंड द हेड क्वार्टर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेज मेडल्स विल बी गिवन टू द विनर्स ऑफ द ईच इवेंट यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज इसमें दिए जाएंगे प्राइज मेडल के तौर पर हो सकते हैं तो अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें ई डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ पी एम स्री स्कूल्स अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो यहाँ बाईस डिस्ट्रिक्ट की डिटेल आपको दिखाई दिखाई दे रही है फर्स्ट पेज पे अंबाला में तो यहाँ पे जो स्कूल पार्टिसिपेटेड है वो छः है भिवानी में सात चरखी दादरी में दो फरीदाबाद में तीन फतेहाबाद में सात गुरुग्राम में चार हिसार में नौ जज्जर में पाँच जींद में सात कैथल में सात करनाल में नौ कुरुक्षेत्रा में छः महेंद्रगढ़ में पाँच नू में छः पलवल में छः पंचकुला में तीन पानीपत में छः रेवाड़ी में पाँच रोहतक में चार सिरसा में सात सोनीपत में तीन और यमुनानगर में सात तो इस तरह से टोटल जो इनका बन जाता है यहाँ पे 124 ट्वेंटी फोर पी एम श्री स्कूल यहाँ पे आ जाते हैं अब आ जाता है एफ पॉइंट है बाईफर्केशन ऑफ बजट फॉर स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ पी एम श्री स्कूल्स इन हरियाणा किस तरह से है तो सीरियल नंबर एक है पार्टिकुलर्स है और अमाउंट उसमें रुपयों में दिखाया गया है तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अकोमोडेशन और स्टे फॉर टू डेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इलेवन बॉयज़ प्लस इलेवन गर्ल्स प्लस वन मेल टीचर प्लस वन फीमेल टीचर्स तो इस तरह से टोटल यहाँ पे आ जाता है इसमें फोर एटी फोर स्टूडेंट्स जिसमें बाईस जो है मेल टीचर्स प्लस बाईस फीमेल टीचर्स भी शामिल हैं इसी तरह से टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम बाईस डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टे हो जाता है यहाँ पे पाँच सौ यानी टोटल आ जाता है इसमें तो पार्टिसिपेंट्स इनटू आरएस आर एस जो है थर्टी रुपेज फॉर टू डेज तो इस तरह से इकतीस हजार छः सौ अस्सी थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी यहाँ पे इस पर खर्च का ब्यौरा दिया गया है सेकेंड इसमें ब्रेकफास्ट लंच रिफ्रेशमेंट एंड डिनर एट द रेट टू फिफ्टी पर हैड 528 ट्वेंटी एट पार्टिसिपेंट फॉर टू डेज तो यहाँ ब्रेकफास्ट लंच रिफ्रेशमेंट और डिनर का जो खर्चा रहेगा दो दिन का वो टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड रहेगा नंबर तीन है ट्रैवल एक्सपेंसिस कंसेशनल बस फेयर का प्रावधान है एट द रेट ऑफ टू हंड्रेड पर पार्टिसिपेंट फाइव हंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट पार्टिसिपेंट इसमें और इसमें खर्च आएगा इसका वन लैख फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब चलते हैं अगले बात की तरफ फोर्थ पॉइंट है इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इवेंट रहेगा इसके अंदर जिस पे भी खर्चा बीस हजार रुपये का रखा गया है फाइव पे है इसमें मेडल्स एट द रेट ऑफ पचास पर गेम फर्स्ट टू थर्ड पोजिशन फॉर ईच गेम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल तो टोटल थर्टी थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स यहाँ पे प्राइजेज बनते हैं तो जिनका खर्चा तीन हज़ार तीन सौ यानी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स पॉइंट है इसका वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी फॉर द स्टेट लेवल कंपटीशन ये दस हज़ार का खर्चा इस पर दिया गया है सेवन पे है प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर पार्टिसिपेंट एंड ऑफिशियल्स सिक्स हंड्रेड इंटू टेन तो सिक्स थाउजेंड इस पर टोटल खर्चा आएगा इसी प्रकार से आ जाता है इसके अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ प्ले बैनर्स कंटीजेंसी रि, रिपोर्ट मेकिंग एंड लॉजिस्टिक एक्सेट्रा फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ और इस तरह से अगर हम टोटल रुपीज जो बन जाता है यहाँ पे फाइव लैक ओनली यहाँ पाँच लाख यहाँ पे रुपया बन जाता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कंफानेशियल अप्रूवल ऑफ द फाइव लैख रुपीज फाइव लैक ओनली एज डिटेल अबाउ इस हेयर बायर अकॉर्डिंग टू द डी पी सी कुरुक्शेत्रा बींग द नोडल ऑफिसर फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर द पी एम श्री स्कूल्स अकॉर्डिंगली द एक्सपेंडिचर टू दिस इफेक्ट में बी बुकड अंडर द हैड नाइनटीन पॉइंट जीरो प्रोजेक्ट इन्नोवेशन रिकरिंग स्टेट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर द डी पी सी कुरुक्षेत्र इज डायरेक्टेड टू एंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एज नोडल ऑफिसर ये लेटर जारी किया गया था आदरणीय असीमा बराड़ जी के द्वारा आई एस स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एच एस एस पी पी कम डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकूला तीन जनवरी दो हज़ार चौबीस को सभी को प्रशिक्षित किया गया है लेटर तो ये जानकारी थी आशा करता हूँ आपको अच्छे से पता चल गया है कि किस तरह से इवेंट होने जा रहा है उसी प्रकार से आप अपने पी एम श्री के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं और वहाँ का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है डी पी पी टी आई वे सारे इसको अच्छे से भली भांति समझें और उसी तरीके से कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी करें वीडियो देखने के लिए शेयर करने के लिए लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू वेरी मच